रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति कई बार जाता है और अक्सर वह यह पाता है कि एक भिखारी भीड़ का लाभ उठाकर उस होटल से नाश्ता करता है और चुपके से बिना पैसे दिए वहां से भाग जाता है। एक दिन जब वह व्यक्ति खाना खा रहा था तो उसने उस आदमी को चुपके से होटल के अंदर आते हुए देखा। उसने ये तय किया कि आज वह इस चोर को दुकान मालिक से पकड़वा देगा। इसी के चलते जैसे ही वो भिखारी खाना खाना शुरू करता है, तुरंत वो व्यक्ति दौड़ लगाकर दुकान के मालिक के पास जाता है और कहता है, देखिए ये जो व्यक्ति है आपके रेस्टोरेंट में मुफ्त का खाना खाता है और बिना पैसे दिए भाग जाता है। रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए उसे कहता है, आप उसे कुछ मत कहिए, उसे जाने दीजिए, फिर मैं आपको इस कहानी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जब वह चोर खाना खा लेता है और चुपके से उस रेस्टोरेंट से बिना पैसे दिए यहाँ वहाँ देखते हुए भाग जाता है, वह व्यक्ति रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और पूछता है कि भाई साहब, आपने उस व्यक्ति को जाने क्यों दिया? क्यों नहीं आपने उस व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द किया ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके? रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, भाई साहब आपने ही नहीं, मुझे बहुत से लोगों ने इस घटना के बारे में अवगत कराया। मैंने उस व्यक्ति को हमेशा देखा, वह मेरी रेस्टोरेंट के बाहर सुबह से आ जाता है और आसमान की तरफ देखकर कुछ गुनगुनाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह रोज प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस रेस्टोरेंट में जल्दी से भीड़ हो जाए ताकि मैं अंदर जा सकूं, खा सकूं और यहां से भाग सकूं। मुझे ये निश्चित तौर पे लगता है कि मेरे रेस्टोरेंट में होने वाली एक अचानक सी भीड़ उस भिखारी की प्रार्थना की वजह से ही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शानदार मैसेज मिलता है, किसी ने क्या खूब कहा है, मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं। मैं उस रेस्टोरेंट मालिक की पॉजिटिव थिंकिंग की सराहना करता हूँ कि उसने कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में इस घटना को लिया और भगवान को धन्यवाद किया। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट।